सारण जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत दिनों जिले में हुए विभिन्न लूट कांडों में ये दोनों अपराधी शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से दो मोटरसाइकिल, दो सोने की चैन, 7 मोबाइल, लूट की नगद राशि 10,000 रुपये भी बरामद कर लिया है। सारण SP संतोष कुमार ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सारण जिला पुलिस लगातार आपराधिक मामलों में छापेमारी और गिरफ्तारी भी कर रही है। छपरा गरखा मुख्य पथ नेवाजी टोला चौक के समीप शिवम पेट्रोल पंप से अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर 8,30,000 रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर तत्काल अनुसंधान करते हुए संभावित अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। न सिर्फ पेट्रोल पंप लूटकांड का उद्भेदन हुआ, बल्कि कई अन्य लूटकांडों का भी उद्भेदन हुआ है। लूटकांड में शामिल फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में कई लूट की घटनाएं हुई थी और हम लोग इसके लिए लगातार SIT बना करके कार्रवाई कर रहे थे और बहुत सारे कांडों का उद्भेदन हो गया था, परंतु अपराधी पकड़ा नहीं रहे थे। इसी क्रम में दो अपराधी को 2 देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ पकड़ा गया और उनसे पूछताछ के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि ये लोग लगभग 1.5 दर्जन लूट के कांड और चोरी के कांड में फरार थे और लगातार एक ग्रुप बना करके, गिरोह बना करके कई थाना क्षेत्र में इनका लंबा आपराधिक क्षेत्र है, जो कि दौदपुर माझी से लेकर के गरखा और भेल्दी तक ये विस्तारित है। इस क्रम में हम लोगों को लूटी गई मोटरसाइकिल 2 बरामद हुआ, सोने का चेन इन्होंने लूटा था वो 2 बरामद हुआ, मोबाइल 7 और नगद राशि 10,000 रुपया। इसके अलावे अभी परसों ही पेट्रोल पंप जो मुफस्सिल थाना अंतर्गत नेवाजी टोला में है, शिवम पेट्रोलियम, उससे भी जो है 8,30,000 रुपये लूटने की बात सामने आई थी। तो इसका भी सफल उद्भेदन करते हुए 7,80,000 रुपया जो है 12 घंटे के अंदर ही रिकवर कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में और भी लोग शामिल हैं, और भी अपराधी शामिल हैं जिनकी पहचान हो गई है, उस पर भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।